क्या आपके पास भी एक APS ID है? APS ID लेकर आप कस्टमर का कैश उठाना, कैश डिपॉजिट करना, अकाउंट ओपन करना, ये सब काम करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सो, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ APS ID जिनके पास है उनका कमाई कितना है, कितना इंक्रीज हो सकता है, और जैसे कि अभी कंपनियाँ कितना कमीशन देता है और उनको क्या क्या करने के बाद कमाई हो रहा है, मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मेरे पास एक मेल आया जिसमें एक बंदे का जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, उनका नाम तो मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, लेकिन उनका जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पर पढ़ा तो बहुत सारा सवाल उनके था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना जाए। तो उनके पास एक APS कंपनी का आईडी है जहाँ पर वो कस्टमर का पैसे उठाना हो, मनी ट्रांसफ़र करना हो, बैंकिंग का सारा काम वहाँ पर करते हैं, लेकिन उनका जो है कमाई बहुत ही लो है और इस वजह से जो है वो एक्स्ट्रा कमीशन लेने के चक्कर में कस्टमर से मांग रहे हैं पैसे। तो उनका सवाल यही है और सभी का सवाल यही है। तो उनके घर के नज़दीक में कोई बैंक नहीं है जहां से वो पैसे उठा सके और कैश उड्डल में लगा सके। उनके दुकान सुबह खुलता है 10 बजे, तो वो क्या करते हैं, जाते हैं 9 बजे जाते हैं, उनके घर से 15 या फिर 20 किलोमीटर दूरी पर एक बैंक है जहाँ से वो पैसे लाते हैं डेली का 1 लाख। तो वो जाते हैं सुबह बाइक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बैंक जाते हैं, पैसे लाते हैं 1 लाख रुपया, उसके बाद अपने दुकान में बैठ के काम चलाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करेंगे तो 1 लाख रुपये मुश्किल से मुश्किल उड्डल हो जाएगा, लेकिन कैश निकासी में, कैश उड्डल में वो बंदा दिन भर मेहनत करता है और शाम तक 1 लाख रुपया मुश्किल से मुश्किल उड्डल करने के बाद उनको कितना कमाई होता है सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आपको पता ही होगा, जो लोग APS चलाते हैं उनको पता ही है, मुश्किल से 100 रुपये से 150 रुपये तक का आपका इनकम है 1 लाख रुपये अगर आप उड्डल करते हैं तो। हाँ, अगर आप 3-3 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा उड्डल करते हैं, 2000-3000 इसी तरीके से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका ज़्यादा इनकम हो सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं, 200-250 रुपये ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी मेन बात उनका खर्चा, जैसे कि वो सुबह जाते हैं बाइक से, पेट्रोल अपना डला के जाते हैं, बैंक में पैसे लाते हैं, तो कम से कम 1-1.5 लीटर तो आपका पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से 1 लीटर का प्राइस है 100 रुपया, मतलब कि अगर आप जाएंगे तो कम से कम 20-25 किलोमीटर हो जाएगा, तो आपका अप डाउन जो होगा आपका 1 लीटर ही ख़त्म हो जाएगा, चलो 1 ही लीटर ही मानते हैं, तो आपका 100 रुपया वहाँ इन्वेस्ट हो गया। तो अभी जैसे कि 1 लाख रुपये अगर आप उड्डल करेंगे दिन भर में तो आपका कमाई कितना हुआ, 100 से लेकर 150 रुपये तक का। तो मतलब कि यहाँ पर कंफर्म नहीं है, आपको 30 से 40 रुपये ही इनकम हो जाएगा। कोई भी कंपनी उठा लीजिए, कोई भी APS कंपनी उठा लीजिए, इतना ज़्यादा आपको नहीं देता है, वो मुश्किल से मुश्किल हाईएस्ट जो है उनका 10 रुपये ही होता है, 10 रुपये से बहुत कम कंपनियाँ ज़्यादा देती हैं, लेकिन वो कंपनी ट्रस्टेड नहीं होते हैं। तो अभी मेन बात है वो कमाएंगे तो कमाएंगे कैसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनको पैसे मांगना शुरू कर दिए। कोई भी कस्टमर आएगा 1000 रुपये अगर निकालेगा तो मिनिमम 10 रुपया, 5000 रुपये निकालेगा तो 10 से 20 रुपया, ऐसा कुछ, क्योंकि वो पैसे नहीं मांगे तो अपना परिवार को कैसे चला सकते हैं, क्योंकि APS कंपनियां इतना ज़्यादा तो पैसा नहीं देती हैं, जिस वजह से आपको जो है बिना पैसे मांगे भी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, या फिर कोई सैलरी सिस्टम करना चाहिए APS कंपनी वालों को और टारगेट दे देना चाहिए कि अगर आप 1 लाख रुपये उड्डल करते हैं 1 महीने में तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपया आपको कमीशन के तौर पर, सैलरी के तौर पर आपको मिलेगा, ये करना चाहिए। लेकिन वो दिन भर 1 लाख रुपये करेगा, 30 दिन में 30 लाख नहीं तो कम से कम 20 लाख करेगा, तो उसको कितना रुपये मिलेगा, 2000 रुपया। उसका पेट्रोल का खर्चा कितना हो जाएगा, अगर वो 20 दिन जाएगा तो उसका भी 2000 रुपया हो जाएगा, तो उसका कमाई का कितना हुआ, मतलब कि वो कमाएंगे क्या। तो ये सभी बातें हैं जो लोग APS कंपनी चलाते हैं उनको ही पता है। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि SBI का CSP भी अच्छा है। हाँ, अच्छा है, बेशक अच्छा है, लेकिन अभी अगर आप SBI का CSP लेंगे जिसमें अगर एवरेज बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो है आपको न्यू कोड नहीं मिलेगा, नया कोड नहीं मिलेगा, जो पहले से किसी ने चलाया होगा या फिर उससे BC की जो ऑथराइजेशन जिनके पास है वो अगर उस ID को कट किया होगा, डिलीट किया होगा, तो उसके बदले आपको रिप्लेस किया जाएगा। तो वही ID में वो CSP यूज़र अगर अकाउंट ओपन ज़्यादा नहीं किया होगा या फिर जो भी किया होगा उसमें अगर कस्टमर ज़्यादा पैसे नहीं रखे होंगे तो एवरेज बैलेंस नहीं मिलता। इसके बाद रूरल कमीशन के बारे में बताऊं तो 2000 रुपये मिलता है, 2000 रुपये आपका हर महीने आता है।
लेकिन उसमें भी अलग टेंशन है। जिनके पास जो चीज़ है उसके बारे में ही उसको ज़्यादा पता होता है। मैंने SBI यूजर वालों के लिए भी वीडियो बना रखा हूँ, इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं कि कितना प्रेशर है और आपको कितना कमाई होता। इसके बाद बात करेंगे मनी ट्रांसफ़र की, तो मनी ट्रांसफ़र में काफ़ी सारी दिक्कत आती है। कस्टमर का अकाउंट नंबर देगा तो OTP इतना बार आता है कि उसको कन्फ्यूज हो जाएगा कि आप उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हो या फिर उससे पैसे निकाल रहे हो। मतलब कि मनी ट्रांसफ़र में काफ़ी सारा OTP आता है, तो इस वजह से कस्टमर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और डाउट करने लगते हैं यूजर को कि ये पैसे का मतलब कोई झोलझाल तो नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप APS ID लिए हुए हैं, अगर आपका इनकम नहीं हो रहा है तो आप नॉन ऑफिशियली पैसे तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आप कोई मतलब कि जैसे कि कंप्यूटर शॉप है उसमें टिकट बनाते हैं या फिर कोई अदर भी काम करते हैं तो कितना कस्टमर आएंगे, वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आएंगे। एक दिन में अगर पैन कार्ड का एक भी आता है तो आपको क्या होगा, 100 रुपया या फिर 150 रुपया एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप दिन में 1,00,000 रुपये ट्रांजेक्शन करेंगे, उसमें पैसा फंसाने का भी आपका रिस्क रहेगा। किसी का 5,000 रुपया फंस गया तो वो 5,000 रुपया उसके खाते में आएगा, आपको उसे कन्विंस करना है कि 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन वो तो सुनेगा नहीं, आपसे ही पैसे लेगा। तो इसीलिए आपको ये सब कुछ झमेले में मतलब कि आपको थोड़ा सा आगे देखकर अलर्ट होकर काम करना है। और हाँ, जो भी पैसा फंसता है आपको पैसा कस्टमर को नहीं देना है, वो उसके कस्टमर के ही खाते में आते हैं 7 वर्किंग डेज में। आपको ये बात ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर आप पैसा दे देंगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो अभी मेन बात है, वो जो मेरे को मेल किए थे उनको मतलब जवाब में क्या देना हो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बोल के मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, वो सिर्फ अकेले नहीं है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि APS ID चलाते हैं, banking ID चलाते हैं और ये प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो अभी जो है रास्ता क्या है, आपको जैसे कि पैसे अगर ना मांगे तो आप मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसीलिए ये वीडियो बनाया और आपको बताया कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। कोई अगर APS कंपनी चलाता है, महीने का 20,00,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, मतलब कि 1,00,000 को रोटेशन करता है और उसको हर महीने में 3,000 रुपया से 2,000 रुपया मिलता है कमीशन के तौर पर, तो इतने कम पैसे में वो कैसे गुजारा कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को पता चले कि जो लोग APS कंपनियां की आइडिया चलाते हैं उनका क्या है इनकम या फिर उनका सुझाव क्या है, वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट के ऊपर कि किस तरीके से आपने कमेंट किए हैं और क्या है रास्ता, क्या है सही सलूशन, सही वे में कैसे मेहनत करेंगे। APS ID जिनके पास है वो लोग अच्छे से कैसे मेहनत करेंगे ताकि वो 10 से 20,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। इस वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो पैसे लेना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।